स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल वेब ऑनलाइन स्टडी में। और मैं सीपी सिंह स्वागत करता हूं आपका कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के लास्ट एक्सरसाइज में। 3.1 और 3.2 कवर हो चुका है, उन दोनों का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आज हम लोग करेंगे एक्सरसाइज 3.3। दो क्वेश्चन है, दो क्वेश्चन लेकर के आया हूँ। पहला क्वेश्चन क्या कहता है कि इन विच क्वाड्रेंट और ऑन विच एक्सिस डू ईच ऑफ द गिवन पॉइंट्स -2.4 -3.1 -1.0 -1.2 -3.5 लाई। कि ये सारे जो पॉइंट है वो कौन से एक्सिस में या कौन से क्वाड्रेंट में लाई करते हैं, और आप इसको बना करके भी दिखाइए। तो देखो, सबसे पहला काम क्या है कि आपको क्वाड्रेंट के बारे में नॉलेज होनी चाहिए। तो सबसे पहले क्वाड्रेंट की बात करते हैं। हमने पिछले पार्ट में बताया था क्वाड्रेंट की बात, लेकिन उसको एक्सप्लेन नहीं किया था। एक्सप्लेन करने की ज़रूरत ही नहीं, आज पढ़ी है तो आज मैं कराने जा रहा हूँ। तो देखिए क्या करना है। ये होता है एक्स एक्सिस, ये होता है एक्स डैश, ये पता है आपको। ये होता है वाई और ये होता है वाई डैश, ये भी पता है। ये सारा इधर प्लस में, ये इधर प्लस में, ये इधर माइनस में, ये इधर माइनस में, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। इस पार्ट को हम लोग कहते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट, ठीक है। इसको कहते हैं सेकेंड क्वाड्रेंट, इसको कहते हैं थर्ड क्वाड्रेंट और इसको कहते हैं फोर्थ क्वाड्रेंट, ठीक। ये चारों पार्ट हमने बता दिए। अब देखिए क्या होता है कि इधर x की वैल्यू भी प्लस है, y की वैल्यू भी प्लस है, तो इसमें क्या है, दोनों जो कोऑर्डिनेट होंगे x और y दोनों प्लस प्लस होंगे। सेकेंड क्वाड्रेंट की बात करते हैं, x हमारा माइनस में है, y प्लस में है, तो माइनस कॉमा प्लस, ये बना इधर का पॉइंट। अच्छा, थर्ड क्वाड्रेंट पे देखो, x भी माइनस है, y भी माइनस है, तो इसका कोऑर्डिनेट क्या, माइनस कॉमा माइनस, ठीक है। फोर्थ क्वाड्रेंट, यहाँ पे x की वैल्यू तो प्लस है लेकिन y की वैल्यू क्या है, माइनस है। तो ये चारों चीज़ें मैंने बता दी कि कौन से पार्ट में कौन सा प्लस माइनस होता है। अब उसको हम लोग क्वेश्चन के आंसर करते हैं। पहला क्या था, पहला था -2.4, दूसरा क्या था भाई 3.-1, तीसरा क्या था -1.0, फिर फोर्थ -3.-5, -3.-5 एंड द लास्ट वन वॉज 1.2, मैं लिखना भूल गया। इसको चलो पांचवा बना देते हैं, इसको चलो चौथा बना देते हैं, ये हो गया 1.2। सारे पार्ट हमने लिख लिए। अब हमको ये बताना है कि कौन से क्वाड्रेंट में आ रहा है, तो बिल्कुल आप साइन देख करके ही बता देंगे, इसको सोचना नहीं है कुछ इसमें। तो देखो, इसमें एक पहला प्लस और सॉरी पहला माइनस दूसरा प्लस, ढूंढ लो कहाँ पे है। पहला माइनस दूसरा प्लस यहाँ है ना, तो ये किस क्वाड्रेंट में आएगा, ये सेकेंड क्वाड्रेंट में आएगा। बात समझ में आ गई। दूसरा देखिए, पहला प्लस दूसरा माइनस कहाँ है, ढूंढ लो। पहला प्लस दूसरा माइनस किस में, फोर्थ क्वाड्रेंट में, तो ये आ गया फोर्थ क्वाड्रेंट, ठीक है भाई। अब ये थर्ड -1.0, जो जीरो होता है तो भाई एक्सिस पे बनता है, बात तो पता है। क्यों, क्योंकि अगर x की वैल्यू जीरो होगी तो y एक्सिस पे बनेगा, y की वैल्यू जीरो होगी तो x एक्सिस पे बनेगा, तो इसमें y की वैल्यू जीरो है तो ये x एक्सिस में बनेगा। अब पॉजिटिव की नेगेटिव, x नेगेटिव है तो ये क्या बनेगा, x नेगेटिव एक्सिस पे, नेगेटिव एक्सिस, ठीक है, ये एक्सिस के ऊपर ही बनेगा, किसी क्वाड्रेंट में नहीं जाएगा। अच्छा, इधर दोनों माइनस हैं तो दोनों माइनस तो यहाँ पे हैं, तो ये कौन सा क्वाड्रेंट है भाई, ये थर्ड क्वाड्रेंट, ठीक है। चौथा 1.2, दोनों प्लस हैं, किस क्वाड्रेंट में जाएगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में जाएगा। तो ये हमारे आंसर हो गए। अब आगे क्या बोला कि वेरीफाई योर आंसर बाय लोकेटिंग देम ऑन द कार्टेशियन प्लेन, कि आप ग्राफ में बना करके तो दिखाइए इसको। तो चलो ग्राफ में बना करके भी दिखा देते हैं इसको। और ये रहा एक्स एक्स डैश, वाई वाई डैश, ठीक है। अब लोकेट कर लेते हैं, सबसे ज़्यादा हमको कहाँ तक जाना है, इधर 5 सबसे बड़ा दिख रहा है, तो हर जगह 5-5 बना ले, काम हो जाएगा। 1, 2, 3, 4, 5, 6 बहुत है, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5 सारे बना लिए हमने। अब पहला -2.4, तो -2.4 बनेगा कहाँ पे, x में -2 और y में 4, 1, 2, 3, 4, तो ये रहा पहला, ठीक। दूसरा, दूसरा 3.-1, तो 1, 2, 3 और ये रहा 3.-1, दूसरा पॉइंट मिल गया। तीसरा -1.0, तो ये रहा -1 और 0,
तो यही पॉइंट जो हो जाएगा वो हो जाएगा थर्ड। चौथा माइनस थ्री कॉमा माइनस फाइव, माइनस थ्री और एक दो तीन चार पाँच, ये रहा माइनस फाइव, तो ये रहा चौथा पार्ट। पांचवा वन कॉमा टू, तो ये रहा वन और ये रहा टू। अब अपने आप वेरीफाई कर लीजिए, पहला सेकंड क्वाड्रेंट में आया है कि नहीं आया, दूसरा थ्री कॉमा माइनस वन तो दूसरा ये था फोर्थ क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट में आया कि नहीं आया, तीसरा माइनस वन कॉमा ज़ीरो तो ये क्या एक्स की नेगेटिव एक्सिस पे आया कि नहीं आया, चौथा पार्ट, चौथा पार्ट है वन कॉमा टू तो वन कॉमा टू चौथा है, आप इसको चौथा बनाइए और इसको पांचवा बनाइए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। तो चौथा वन कॉमा टू, वन कॉमा टू फर्स्ट एक्सेस में आया कि नहीं आया। पांचवा पॉइंट माइनस थ्री कॉमा माइनस फाइव, तो माइनस थ्री कॉमा माइनस फाइव ये आपका थर्ड क्वाड्रेंट में आया कि नहीं आया। तो ये सारे पॉइंट्स जो थे वो इसी के अकॉर्डिंग डिनोट किए जाते हैं, और क्वाड्रेंट आप याद कर लीजिएगा, बहुत ही आसान है, आप सिर्फ साइन देख करके ही बता सकते हैं कि कौन से क्वाड्रेंट में ये वैल्यू आएगी। वेरीफाई करने को बोलेगा तो वेरीफाई करेंगे, नहीं बोलेगा तो नहीं करेंगे। अब बढ़ते हैं सेकेंड क्वेश्चन की तरफ। ओके फ्रेंड्स, तैयार हूँ मैं क्वेश्चन नंबर टू के लिए। क्वेश्चन नंबर टू क्या कहता है कि एक्स वाई जो ये कोऑर्डिनेट्स दिए गए हैं इसको आपको ग्राफ पेपर पे बनाना है, कार्टेशियन प्लेन पे बनाना है। तो ठीक है भाई, बहुत आसान सी चीज़ है ये, ग्राफ ही तो बनाना है, इसमें बनाते हैं। तो ये लीजिए ग्राफ बनाया मैंने, दो एक्सिस हो गई। अच्छा, हमको ये देखना होगा कि सबसे ज़्यादा पॉइंट हमें कहाँ तक चाहिए, तो वाई में हमें चाहिए आठ तक, तो ये लाइन थोड़ी सी नीचे बना देते हैं तो काम अपना हो जाएगा सही से। ठीक, एक्स एक्सिस एक्स डैश और ये वाई एक्सिस, ये रहा वाई डैश। ठीक है, अब देखिए इसमें सारा हमने पॉइंट्स ले लिया। पॉइंट्स क्या हैं, एक्स में माइनस टू कॉमा एट, माइनस वन कॉमा सेवन, जीरो कॉमा माइनस वन पॉइंट टू फाइव। तो सबसे पहले पॉइंट्स को लोकेट करना है, तो लोकेट करिए इधर, एक दो तीन चार पाँच छ सात आठ नौ बना लिए हमने ऐसे, इधर वाई में नीचे बना लें, एक दो तीन चार पाँच इधर बना लेते हैं, एक दो तीन चार पाँच छ इधर, एक दो तीन चार पाँच छ सात, इतने सारे लिख लिए। अब देखो सबसे पहला पॉइंट ये मेरे लिए पहला क्वेश्चन, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा और ये पांचवा। चलो पहले को ए मान लिया, दूसरे को बी, तीसरे को सी, चौथे को डी और पांचवे को ई। तो ये पांच पॉइंट्स मुझे डिनोट करने हैं। पहला पॉइंट का ए क्या है, माइनस टू कॉमा एट, एक्स में माइनस टू और वाई में एट, एक्स में माइनस टू वाई में एट, तो ये रहा माइनस वन माइनस टू और एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ, तो ये रहा मेरा ए पॉइंट, ए हमने बना लिया। ठीक है, दूसरा देखो भाई, बी क्या है, माइनस वन कॉमा सेवन, तो ठीक है माइनस वन देखो, ये रहा मेरा माइनस वन और एक दो तीन चार पाँच छ सात, ये रहा मेरे लिए बी। ठीक है, बी भी बन गया। अब बारी सी की, जीरो कॉमा माइनस वन पॉइंट टू फाइव, तो सी जीरो तो ये है भाई, और माइनस वन पॉइंट टू फाइव का मतलब क्या, एक और दो के बीच में बनेगा और वो भी कितना, फोर्थ पार्ट पे बनेगा। ठीक है ना भाई, अगर यहाँ पे 1.5 होता तो क्या करते, एक और बीच के जो, एक और दो के बीच में जो लाइन होती उसमें हम लोग वहाँ पे डिनोट कर देते, लेकिन करना क्या है हमको, 1.25 आधे का भी आधा लेना है। तो ये रहा मेरा ज़ीरो और माइनस 1.25 का मतलब ये आ गया यहाँ पे, ठीक है, आधे की भी आधी डिस्टेंस लेकर के, तो ये हो गया मेरे लिए क्या, सी। ठीक है, अब बारी है डी की, 1.3, तो ये रहा मेरा वन और एक दो तीन, ये रहा मेरा थ्री, तो ये हो गया मेरे लिए क्या, डी पॉइंट। और लास्ट बचा है ई, थ्री कॉमा माइनस वन, तो एक दो तीन और माइनस वन रहा ये, तो ये हो गया मेरे लिए ई। तो बहुत ही आसान सी चीज़ें थी, ये सारे पार्ट्स मैं बता चुका आपको। तो मैंने चैप्टर थ्री भी ख़त्म कर लिया है आज, चैप्टर टू और वन ऑलरेडी ख़त्म हो चुका है। तो अगर आपने वीडियोस पुरानी नहीं देखी हैं तो वीडियोस को ज़रूर देखिए, उसको लिंक आपको हर वीडियो के, जैसे मैं चैप्टर थ्री बताऊंगा तो चैप्टर थ्री के सारी वीडियोस का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा, चैप्टर टू बताऊंगा तो उसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चैप्टर टू का मिलेगा। तो ऐसे आप अगर कोई भी वीडियो देख रहे हैं तो आप सारी वीडियोज़ को देख पाएंगे और कोई भी वीडियो मिस ना करिएगा, आपके लिए वेलफेयर के लिए ही बनाए जाते हैं वीडियोज़।
अगर आपने मेरी वीडियोस को एंजॉय किया तो उसको लाइक करें, कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें कि वीडियो कैसा लगा। अगर आप कमेंट करते हैं तो उससे प्रोत्साहन बढ़ता है, मैं आपके कमेंट्स का बेसब्री से इंतज़ार करता हूँ। कमेंट ज़रूर करिएगा, लाइक अगर कर रहे हैं, अच्छा लग रहा है तो लाइक ज़रूर करें। और एक बात, अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब अभी तक नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को ज़रूर हिट करना ताकि कोई भी इंटरेस्टिंग वीडियो आपसे मिस ना होने पाए। तो मैं चलता हूँ, मैं आपसे मिलूँगा चैप्टर 4 में, क्योंकि चैप्टर 3, 2, 1 सारे ख़त्म हो चुके हैं। आज के लिए धन्यवाद।